दोस्तों आज की जो वीडियो का कंटेंट है वो है हाथी, स्लाथ, बाघ और मधुमक्खी, यानी इन चारों के बारे में हम इस वीडियो में अच्छे से जानेंगे, समझेंगे, जो अक्सर इससे रिलेटेड क्वेश्चन सीटेट एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं हम हाथी पे और हाथी के बारे में जानते हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है कि हाथी एक बड़ा प्राणी है और एक शाकाहारी प्राणी है, और इसका जो खाना होता है यानी एक दिन में वह 100 केजी से ज्यादा पत्ते व झाड़ियां खा लेता है। कितना? तो 1 क्विंटल से ज्यादा पत्ते व झाड़ियां यह खाता है एक दिन में। और जहां तक सोने की बात की जाए तो यह एक दिन में 2 से 4 घंटे सोता है। कितना सोता है? 2 से 4 घंटे। तो यह रहता कहाँ है? तो यह एक झुंड में रहता है, लेकिन एक कंडीशन यहाँ पे यह है कि झुंड में केवल फीमेल और उनके बच्चे ही होते हैं। झुंड में केवल फीमेल और उनके बच्चे होते हैं, और झुंड 10 से 12 हथिनियों और बच्चों का एक समूह होता है। 10 से 12, ध्यान रखिएगा, 10 से 12 हथिनियों और उनके बच्चों का समूह होता है। इस झुंड में केवल फीमेल और उनके बच्चे रहेंगे, मेल नहीं रहते हैं। यही बच्चे जब 14 से 15 साल के हो जाते हैं, वयस्क हो जाते हैं, तो वे उस झुंड को छोड़ देते हैं और वे अकेले रहने लगते हैं। इस चीज को मैंने इस यहाँ पे मेंशन कर दिया है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट है हमारा स्लाथ। अब यहाँ स्लाथ के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये जो स्लाथ होते हैं बिल्कुल भालू की तरह दिखते हैं और सुस्त एक शाकाहारी जानवर है। पेड़ की केवल पत्तियां ये खाते हैं। ओके, ये पाए जाते हैं तो दक्षिण व मध्य अमेरिका में पाए जाते हैं, और 24 घंटा में से लगभग 17 घंटा ये केवल सोते ही रहते हैं। 24 घंटे में से 17 घंटे लगभग सोते रहते हैं। और यदि हम इनके रहने की बात करें तो लगभग 5 वर्ष तक एक ही पेड़ पर उल्टा लटका रहता है। यह एक ऐसा जानवर है जो एक पेड़ पर कुल 5 साल तक, लगभग 5 साल तक रहता है, वो भी उल्टा लटका रहता है। अच्छा, इसको थोड़ा हम और क्लियर करते हैं, एक चीज़ और देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे इनकी जो उम्र है वो 40 साल है। इनकी उम्र कितनी है? 40 साल है। तो आप ये देखिए कि इनकी उम्र 40 साल है और ये एक ही पेड़ पर 5 साल तक रहते हैं, तो कुल अपने लाइफ टाइम में कितने पेड़ बदलेंगे? यानी कुल 8, है ना? यानी अपने लाइफ टाइम यानी जीवन काल में कुल 8 पेड़ों पर यह रहता है। और यह नीचे तभी उतरता है जब इनको मल त्याग करना होता है, जब इनको पोटी करनी होती है तभी यह नीचे उतरते हैं, अदरवाइज यह पेड़ पर ही उल्टे लटके रहते हैं। इसके पीछे एक्चुअली कारण भी है कि ये जो स्लाथ है इसके पंजों के जो नाखून होते हैं वो लंबे होते हैं और मुड़े रहते हैं, जिससे इनको जमीन पर चलने में प्रॉब्लम होती है। और चूंकि ये सुस्त भी होते हैं तो दूसरे जानवर इनका शिकार न कर लें, इसलिए यह पेड़ पे ही हमेशा रहते हैं, लटके रहते हैं। ओके, खाना, तो ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी पेड़ की ये पत्तियां खाते हैं। यानी 5 साल तक एक पेड़ पर रहेगा तो उसी पेड़ की पत्तियां 5 साल तक खाता रहेगा। अच्छा, एक बार में 30 ग्राम पत्तियां खाता है, 30 ग्राम ओनली, और उसको पचाने में लगभग 1 महीने तक का समय लगता है। 1 महीने, ऐसा क्यों? क्योंकि इनका जो पाचन शक्ति होता है, मेटाबॉलिज्म होती है, उसकी रफ्तार बहुत ही धीमी होती है, जिसके कारण से इनको 30 ग्राम पत्तियों को पचाने में 1 महीने तक का समय लगता है। जहां तक जानवरों को सोने की बात है तो गाय 4 घंटे सोती है, अजगर 18 घंटे, जिराफ 2 घंटे, और बिल्ली जो है वो 12 घंटे सोती है। नेक्स्ट है आपका बाघ यानी कि टाइगर। अब देखो, जो टाइगर होते हैं उनको अंधेरे में देखने की जो कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है, वो हमसे 6 गुना बेहतर होती है। ओके, बाघ की मूछें, तो बाघ की मूछें बहुत ही संवेदनशील होती है, बिल्कुल सेंसिटिव होता है, इतना सेंसिटिव होता है कि यह हवा में हुए कंपन को भांप लेती है और उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है, कहां पर उसका शिकार है वह सटीक जानकारी उसको हो जाती है। बाघ पत्तियों की आवाज, ध्यान दीजिएगा यहां पर, बाघ पत्तियों की आवाज और किसी जानवर के हरकत करने में अंतर को भी महसूस कर लेता है, कहां पे पत्तियों की सुरसुराहट हो रही है या फिर कोई जानवर की कोई हरकत वहां पे हो रही है, इसको इस चीज का आभास हो जाता है। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज बदलता रहता है, यानी जैसी परिस्थिति होती है, जैसा सिचुएशन होता है, उसके अनुसार उसकी आवाज भी चेंज होती रहती है। यदि उसको गुस्सा आता है तो उसकी आवाज अलग होगी, बाघिन को बुलाना हो गया तो उसकी आवाज अलग होगी, कराहता है तो उसकी आवाज अलग होती है, यानी जैसा सिचुएशन वैसा इसका आवाज।
इसकी दहाड़ की आवाज लगभग 3 किलोमीटर तक सुनाई देती है, यानी जब यह दहाड़ने लगता है तो इसकी आवाज लगभग 3 किलोमीटर तक सुनाई देती है। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते जाते हैं, इसी के द्वारा एक्चुअली इनका इलाका तय होता है कि कितने दूर में इनका इलाका है। यह डिपेंड करता है कि दूसरे बाघ इनके इलाके में आए या फिर न आए। बाघ के कान चारों दिशाओं में घूम सकता है, जो उसे चारों ओर की आवाज सुनने में मदद करते हैं। लास्ट है आपका मधुमक्खी। अब देखिए, जो मधुमक्खी पालन होता है वो होता है बोचाहा गांव में। कहां? तो बोचाहा गांव में। अब बोचाहा गांव कहां पड़ता है? तो ये बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में पड़ता है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में बोचाहा गांव पड़ता है, जहां के लोग मधुमक्खी पालन करते हैं। अच्छा, मधुमक्खी पालन करने का जो सही समय होता है वो होता है अक्टूबर से दिसंबर माह। अक्टूबर से दिसंबर माह में, क्योंकि इसी समय जो होता है वो मधुमक्खियां अंडे देती हैं। मधुमक्खी के छत्ते में रानी मक्खी अंडे देती हैं। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं। इनके अलावा छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियां होती हैं। एक्चुअली जो काम करने वाली मक्खियां होती हैं, यही शहद के लिए फूलों से रस ढूंढ के लाती हैं, और जब इनको रस मिल जाता है तो वो एक प्रकार का नाच करती हैं, जिससे अन्य मक्खियों को इसका पता चल जाता है। यही मक्खियां होती हैं जो छत्ते बनाती हैं, बच्चों को पालती भी हैं। नर मक्खी जो होते हैं कुछ खास काम छत्ते के लिए नहीं करते हैं। लीची के फूल मधुमक्खियों को खूब लुभाते हैं, इसलिए यहाँ के लोग मधुमक्खियों को पालकर शहद बनाने का काम करते हैं। लीची के फूल खिलता कब है? तो लीची के फूल खिलते हैं फरवरी माह में। इसके अलावा कुछ फैक्ट है जिसको ध्यान में रखिएगा, कभी कभी इनसे भी प्रश्न बन जाते हैं सीटेट में। मधुमक्खियों की तरह चींटियां भी रहती हैं, और जो चींटियां होती हैं उनका भी काम बटा होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, जो रानी चींटियां होती हैं वो अंडे देती हैं, और सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती हैं, और इसके अलावा काम करने वाली जो चींटियां होती हैं वो भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, रानी चींटी अंडे देने का काम करेगी, सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखेगी, और काम करने वाली चींटी भोजन को ढूंढकर बिल तक लाएंगे। दीमक और ततैये भी इसी तरह समूह में रहते हैं। जैसे चींटियां समूह में रहती हैं, वैसे ही दीमक और ततैये भी समूह में रहते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए अपने दोस्त विनय को। नमस्कार।